हेलो एवरीवन, अभी हम लोग क्लास 10th इंग्लिश में पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द करेक्टर्स इन दिस पोयम, लिस्ट देम विथ देयर पेट नेम्स। इस पोयम में कौन कौन से करेक्टर्स हैं, सारे करेक्टर्स का उनके पेट नेम के साथ में यहाँ लिस्ट भी बनाना है। इस पोयम में जो करेक्टर्स हैं उनमें बिलिंडा एक छोटी लड़की है और उसके जो पेट्स हैं उसमें एक छोटा काला बिल्ली का बच्चा है, एक छोटा भूरा चूहा, एक छोटा पीले रंग का कुत्ता, एक छोटा पालतू ड्रैगन और एक समुद्री डाकू है। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, द करेक्टर्स इन दिस पोयम आर बिलिंडा, अ लिटिल गर्ल एंड हर पेट्स, अ लिटिल ब्लैक किटन, अ लिटिल ग्रे माउस, अ लिटिल येलो डॉग, अ लिटिल पेट ड्रैगन एंड अ पायरेट। इसके बाद देखिए, आपको एक टेबल बनाना है, उसमें से एक तरफ हम करेक्टर्स लिखेंगे, उसके बाद दूसरी तरफ पेट नेम, जैसे किटन का नाम था इंक, माउस का नाम था ब्लिंक, डॉग का नाम था मस्टर्ड और ड्रैगन का नाम था कस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज, व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन। देखिए, कस्टर्ड जो है हमेशा एक सुरक्षित अच्छे पिंजरे के लिए क्यों रोता रहता था और जो ड्रैगन है वो डरपोक ड्रैगन क्यों कहलाता था। देखिए, कस्टर्ड बहुत डरपोक था, इसीलिए वो हमेशा एक सुरक्षित अच्छे पिंजरे की तलाश में रोता रहता था। उसको सब लोग डरपोक ड्रैगन इसलिए बुलाते थे क्योंकि वही एक पूरे के पूरे घर में डरपोक था और बाकी लोग बहादुर थे। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज बिकॉज ही वॉज अ कावर्ड, ही वॉज कॉल्ड अ कावर्डली ड्रैगन बिकॉज एवरी वन एल्स इन द हाउस वॉज ब्रेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, वाई। बिलिंडा उसको बेरहमी के साथ में गुदगुदी क्यों करती थी? देखिए, वो उसको बेरहमी के साथ में इसलिए गुदगुदी करती थी क्योंकि वो ड्रैगन को चिढ़ाना और उसका मजाक बनाना चाहती थी। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, बिलिंडा टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली बिकॉज ही वॉज टीजिंग एंड मेकिंग फन ऑफ द ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट हैज एम्प्लॉयड मैनी पोइटिक डिवाइसेस इन द पोयम, फॉर एग्जाम्पल क्लेश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजन, द पोइटिक डिवाइस हियर इज अ सिमली, कैन यू विद यूर पार्टनर लिस्ट सम मोर सच पोइटिक डिवाइसेस यूज इन द पोयम। देखिए, सिमली मतलब होता है उपमा और डंजन का मतलब होता है कालकोठरी। यहाँ पे कस्टर्ड अपने पूँछ को कालकोठरी के लोहों की तरह टकरा रहा है, इसीलिए यहाँ पे उपमा का उपयोग हुआ है तो सिमली है। इसके अलावा इस पोयम में रिपीटेशन और अलिट्रेशन पोइटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, अपार्ट फ्रॉम सिमली द पोएट हैज यूज्ड पोइटिक डिवाइसेस सच एज रिपीटेशन एंड अलिट्रेशन इन द पोयम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेंजा 3 अगेन टू नो हाउ द पोएट डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन। देखिए, इस पोयम की स्टेंजा 3 को पढ़ेंगे तो उसमें ड्रैगन के बॉडी के ऊपर लिखा गया है कि उसके दांत बहुत बड़े और नुकीले हैं, उसके शरीर में स्पाइक से बने हुए हैं, उसके शरीर के नीचे में स्केल्स हैं, उसका मुंह किसी भट्टी की तरह है, उसका नाक चिमनी की तरह है और उसकी पांव की उंगलियां चाकू की तरह धारदार हैं। इन्हीं को इसके आंसर में लिखेंगे, द पोएट डिस्क्राइब्स द ड्रैगन विद बिग शार्प टीथ, स्पाइक्स ऑन इट्स बॉडी, स्केल्स अंडरनीथ, अ माउथ लाइक अ फायर प्लेस, अ चिमनी लाइक नोज एंड सार डगा लाइक टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ 2 or 3 स्टेंजास ऑफ द पोयम। इस पोयम के 2 or 3 स्टेंजास में राइम स्कीम क्या है? स्टेंजा 2 में इंग ब्लिंग मस्टर्ड कस्टर्ड माने AABB, उसी प्रकार से 3 में टीथ अंडरनीथ नोज टोज, यहाँ पे भी AABB है। इसी को आंसर में लिखेंगे, द राइम स्कीम ऑफ 2 or 3 स्टेंजास ऑफ द पोयम इज AABB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर्स यूज वर्ड्स टू गिव अस अ पिक्चर आर इमेज विदाउट एक्चुअली सेइंग व्हाट दे मीन, कैन यू ट्रेस सम इमेजेज यूज्ड इन द पोयम। लेखक कई बार ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जिसका मीनिंग वो हमको नहीं बताते, उनका उद्देश्य केवल एक पिक्चर या इमेज पढ़ने वाले के मन में बनाना होता है। क्या आप इस पोयम में ऐसे ही वर्ड्स को ट्रेस कर सकते हैं जिनका उपयोग इमेज बनाने के लिए हुआ है? देखिए, ये वर्ड्स हैं, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज,
ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। इन्हीं को इस कैंसर में लिखेंगे। सम सच इमेजेज यूज्ड इन द पोयम आर माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज, ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज एसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर द डेगन टू बी अ सीरियस आर अ लाइट हार्टेड पोयम, गिव रीजन्स टू सपोर्ट यूर एंसर। इस क्वेश्चन के आंसर में हमको बताना है कि ये जो पोयम है द टेल ऑफ कस्टर द डेगन, वो हमको गंभीर पोयम लगा कि हल्का फुल्का पोयम लगा। साथ ही में यहाँ पे आंसर के सपोर्ट में हमको रीजन्स भी देना है। देखिए, ये जो पोयम है द टेल ऑफ कस्टर द डेगन एक बहुत ही हल्का फुल्का पोयम है, जो कि बहुत ही मजाकिया अंदाज में पढ़ने वाले का मनोरंजन करता है। यहाँ तक कि पोएट ने इस पोयम में राइमिंग स्कीम को बनाए रखने के लिए गलत स्पेलिंग वाले वर्ड्स का भी यूज किया है। इन्हीं को इसके आंसर में लिखेंगे। द टेल ऑफ कस्टर द डेगन इज अ लाइट हार्टेड पोयम, इट क्रिएट्स ह्यूमर एंड इंटरटेन्स द रीडर्स, द पोएट हैज इवन यूज्ड रॉन्ग स्पेलिंग टू मेंटेन द राइम स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस पोयम इन ब्लड फॉर्म टेल्स अ स्टोरी, हैव यू कम अक्रॉस एनी सच मॉडर्न सॉन्ग आर लिरिक दैट टेल्स अ स्टोरी, इफ यू नो वन टेल इट टू द क्लास, कलेक्ट सच सॉन्ग्स एज अ प्रोजेक्ट। देखिए, ब्लड एक प्रकार का पोयम होता है जो कि एक कहानी को गाने के माध्यम से बताता है। लाइट ऑफ एशिया एक महाकाव्य गाथा है जो कि राजकुमार सिद्धार्थ के राजा से साधु बनने तक की यात्रा को बताता है। इसी को इस कैंसर में लिखेंगे। ए ब्लड इज अ टाइप ऑफ पोयम आर सॉन्ग दैट टेल्स अ स्टोरी, लाइट ऑफ एशिया इज एन एपिक ब्लड रिकाउंटिंग प्रिंस सिद्धार्थ जर्नी फ्रॉम रॉयल्टी टू सेंट। अब लास्ट में चलिए बताइए इस MCQ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हु आज ब्लिंक, ऑप्शन ए है किटन, बी है माउस, सी है डॉग और डी है डेगन। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।